क्या ना थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है। ओके, बेर करते हैं उसको। आज के वीडियो में जानेंगे हम लोग डिटरमाइन इफ टू ट्रीज आर आइडेंटिकल और नॉट। ठीक है, ये चीज फाइंड करना है हम लोग को। दो ट्रीज दिए हुए हैं, वो आइडेंटिकल है कि नहीं, उसको फाइंड करना है। इजी क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। डायरेक्ट कर लेंगे 1 2 3 2 1 3, ये तो आइडेंटिकल है, देख के चल रहा है, पर वो देखेंगे देखेंगे इसको देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे दियर आर टू। ओके नो, ठीक है देखो रिवर्स ऑर्डर है। ठीक है, ये पहले 3 आ रहा है, इसके में पहले 2 आ रहा है। इसको ट्राई रन करते हैं, समझते हैं, और ये लोड करते हैं। देखो यार अभी मैंने बंद कर दिया ना, तो ये आउट ऑफ मेमोरी हो गई है। एच में एक चीज होती है यार, ठीक है, इससे बहुत ज्यादा हैंग भी कर लेता है, बहुत दिक्कत करता है। एफिशिएंसी मोड तो भैया क्रोम ज्यादा सही रहता है, क्रोम में ये कोई दिक्कत रहती नहीं है मेरे ख्याल से। टू ट्रीज आर आइडेंटिकल और नॉट, तो मैं लिख देता हूँ, टू ट्रीज आर आइडेंटिकल और नॉट। अभी इस वीडियो के बाद ट्री का एक और वीडियो करेंगे, उसके बाद एंगुलर का एक वीडियो शूट कर लेंगे, छोटा सा वीडियो होगा, बहुत कुछ चेंज करने वाला है, लॉगिन वाला, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बताया, नमक मिर्च भी डालेंगे, जेडब्ल्यू टोकन भी डालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चेक करूंगा, सबसे पहले चेक करूंगा चेक नोड, जो नोड होगा या फिर रूट, मान लो रूट, रूट की वैल्यू इक्वल और नॉट, इक्वल और नॉट, ठीक है, ये चेक करना है। दोनों दोनों से कंपेरिजन करके देंगे, अगर हाँ तो रूट का लेफ्ट एंड राइट की वैल्यू, एंड राइट की वैल्यू चेक करूं, ठीक है, किससे चेक करूं, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ट्री के सेकंड ट्री। तो अगर लेफ्ट में चेक कर रहा हूं, तो फर्स्ट ट्री का लेफ्ट का चेक करूंगा मैं सेकंड ट्री के लेफ्ट से, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट ट्री का लेफ्ट सेकंड ट्री का लेफ्ट से, ठीक है, ये यहाँ पे चेक करना है, लेफ्ट से चेक करना है, और राइट का भी उस तरह से चेक करना है आपको। अगर ये रूट वाला वैल्यू मैच कर रहा है, अगर नहीं मैच कर रहा है, तो बेसिकली क्या करूंगा, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दूंगा डायरेक्टली। अगर मैच नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा रहा तो डायरेक्ट फॉल्स, ठीक है, डायरेक्ट फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, ये चीज हमको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये चीज है, आसानी होगी। अगर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करके दिखा दूं आपको, यहाँ पे देखना 1 2 3, और इसका देखो 1 2 3, ये ले लेते हैं 1 2 3 1 3 2, 1 2 3 है एक में, और यहाँ पे 1 3 2 है। तो बेसिकली करूंगा क्या, ठीक है, मैं पहले चेक करूंगा, हमारे पास दो रूट पड़े हुए हैं, रूट वन और रूट टू, क्या रूट वन नल है, एंड चेक करूंगा रूट टू नल तो नहीं है, अगर है, ठीक है, तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। अगर मैं चेक करूंगा दोनों नल है कि नहीं, अगर दोनों नल है तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा, अगर कोई भी एक नल है तो दो कंडीशन में होगा ना मेरा, एक पहले में रूट वन नल है, दूसरे वाले में रूट टू नल है, ऐसा करके कुछ में उसमें फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। अगर ये चीज हो गई, उसके बाद क्या करूंगा मैं, मैं लेफ्ट लेफ्ट वाले में जाऊंगा, तो रूट तो मेरा मैच कर गया, ठीक है, रूट मैच कर गया। अब मैं लेफ्ट वाले में जाऊंगा, लेफ्ट वाला किस तरह जाएगा, रिकर्जन के थ्रू जाएगा, रिकर्जन के थ्रू में यहाँ पे, रिकर्जन के थ्रू यहाँ पे लेफ्ट वाले में जाऊंगा सबसे पहले, तो ठीक है, इसके लेफ्ट में जाऊंगा, इसके भी लेफ्ट में जाऊंगा, दोनों को, इन दोनों को मैच करूंगा भाई, ये सही है कि नहीं है, क्योंकि रूट ऑलरेडी मैच कर दिया मैंने, तो मैं चेक करूंगा कुछ वैल्यू करके, जो ये रूट है ना, अभी अभी जो रूट है, इसका रूट डाटा, इसका रूट डाटा क्या मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहा है तो मैं उसको उसको अपडेट कर दूंगा वैल्यू को, वरना मैं उसको अगर नहीं मैच कर रहा है तो फॉल्स कर दूंगा। फिर अगर देखो यार अभी यहाँ पे वैल्यू मैच कर गया, तो मैं वो वैल्यू लिखूंगा, अब फिर मैं कंपेयर करूंगा जो ऊपर का लेफ्ट राइट और ये जो आंसर मिला, इसके कंपेयर करूंगा, अगर ट्रू है, तीनों ट्रू है, तो इसका मतलब ट्रू वरना फॉल्स, तो ये चीज करेंगे। तो फटाफट से कोड कर लेते हैं इसका, छोटा सा कोड होगा, ज्यादा कोई मतलब ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी। ओके यहाँ पे क्या करता हूँ, क्या है टू ट्रीज आइडेंटिकल, तो लिख देता हूँ टू ट्रीज आइडेंटिकल डॉट बी वाई। ये सॉल्यूशन आपको, ये क्वेश्चन आपको शायद रीड कोड में मिल जाए, तो रीड कोड में जाकर चेकआउट कर लेना कि रीड कोड में ये वाला क्वेश्चन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अप्रोच जो मैंने बताया है, ठीक है। मैं देखो अगर हो सकता है थोड़ा बहुत क्वेश्चन अलग है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा उस हिसाब से, तो फिर अगर अलग होगा तो मैं खुद वीडियो बना दूंगा अलग से। पहले तो रुको जरा स्टेप चेक करने, रूट वन इज नन एंड रूट टू इज नन, तो इस केस में मेरा रिटर्न ट्रू होगा, रिटर्न ट्रू कर दिया। यहाँ पे मैं चेक करूंगा रूट वन, एक कंडीशन लूंगा, रूट वन नन है पर रूट टू रन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे लिख दूंगा रूट वन इज नन एंड रूट टू, अरे यार रूट टू की स्पेलिंग गलत दिखती है, हाँ रूट टू, तो इस केस में मैं रिटर्न फॉल्स कर लूंगा भाई, देखो यार गड़बड़ कर रहा हूँ टाइपिंग का, रिटर्न फॉल्स, ये सेम कंडीशन मैं कर लूंगा, मैं चाहूँ तो एक कंडीशन में डाल करता हूँ और करके, पर वो थोड़ा सा लंबा होगा, मतलब रूट वन है एंड रूट टू इज नल, ठीक है, ये होगा, तो इस केस में भी रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, लेफ्ट वाले में जाऊंगा, रूट मैच तो लेफ्ट वाले में जाओ एंड देन राइट वाले में, ठीक है,
इस तरह से जाऊंगा मैं, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सेल्फ डॉट इस आइडेंटिकल जो भी है इसमें मैं रूट डॉट रूट वन डॉट लेफ्ट में जाऊंगा, साथ में रूट टू डॉट लेफ्ट में भी जाऊंगा। देखो यार मेरे को कंपेरिजन करना है दोनों के, तो मैं दोनों के साथ जाऊंगा, ठीक है। इस तरह से मैं राइट में भी कर दूंगा, लेफ्ट डॉट इस आइडेंटिकल कर दूंगा और ये रूट वन डॉट राइट में जाएगा, ठीक है। मैं बेसिकली कहाँ पर देख रहा हूँ, मैं लैपटॉप के कीबोर्ड में देख रहा हूँ फटाक से टाइपिंग करते समय, ठीक है। इतना हो गया, ये मैंने कर दिया। क्विक वैल्यू, वैल्यू का असाइन करना है। वैल्यू किस तरह से असाइन करूंगा, मैं अगर चेक करूँ यहाँ पे रूट वन डॉट डेटा इक्वल टू रूट टू डॉट डेटा अगर है तो मैं वैल्यू नंबर बना दूंगा कुछ भी, इसको मैं ट्रू असाइन कर दूंगा। ऐसा करते हैं पाइथन में, हो सकता है आप अब किसी और लैंग्वेज में कर रहे हैं तो वो अलग होगा। लेफ्ट एंड राइट, राइट एंड वैल्यू, तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा, एल्स फॉल्स कर दूंगा रिटर्न। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके डाल देता हूँ, कंपाइल रन करते हैं, चल गया, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करूँ वो ऑफ एन होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करूँ, देखो यार दोनों ही टेस्ट में गड़बड़ हो गया, दो ही चला यार। मैं चार वीडियो भी शूट की, चौथा वीडियो शूट कर रहा हूँ, पांचवा एक और शूट करना है, फिर वापस जाएंगे एंगुलर में, छठवा वीडियो शूट करेंगे, उसके बाद ट्रिस्क और भी शूट करेंगे। ट्रिस्क जितने जल्दी ट्रिस से खत्म करना चाहते हैं, उसके बाद हम लोग पाइस्पार्क और डाटा इंजीनियरिंग सीरीज में भी काम करने वाले हैं, ठीक है। तो उससे काम करेंगे अभी। चेंज किया, थोड़ा चेंज किया, मैंने इसको ऐसे लिखने की जगह वैल्यू इक्वल टू रूट डॉट डेटा इक्वल टू रूट डॉट रूट टू डॉट डेटा, ठीक है। इस तरह से किया है मैंने, तो ये थोड़ा लाइन चेंज कर दिया, तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ये लाइन चेंज किया। अब मैंने ये क्यों चेंज किया, उससे क्यों काम नहीं कर रहा है, वो आप कमेंट करें, कमेंट करें क्योंकि मैंने ये वाला किया उससे क्यों काम नहीं कर रहा है। बाकी इस वीडियो में इतना था, इस वीडियो में जाना इसकी किस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, डिटरमाइन इफ टू ट्रीज आर आइडेंटिकल और नॉट, ये आइडेंटिकल करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं। सिंपल छोटा क्वेश्चन था, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करूँ ओ ऑफ एन होगी, और वो हाइट ऑफ ट्री होगी हमारा, हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। तो इसको भी दे देता हूँ मैं, ठीक है, टू ट्रीज आइडेंटिकल आइडेंटिकल, पीडीएफ करता हूँ, ठीक है, ये हो गया। ओके अगले वीडियो में क्या करूंगा मैं, सम ट्री एक क्वेश्चन है वो कवर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सम ट्री वाला, कोई कवर नहीं करता, हम लोग कवर करेंगे इस अगले वीडियो में। वर्ण क्वेश्चन है इंटरव्यू परस्पेक्टिव के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो वाला वीडियो अभी अगले वाला वीडियो देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एंगुलर वाला वीडियो नहीं देखोगे तो बहुत दिक्कत होगी, एंगुलर वाले वीडियो में मोडाल का यूज करेंगे, डायलॉग बॉक्स का यूज करेंगे एंगुलर मटेरियल में नए वर्जन में, उसको किस तरह से लॉग इन बनाएंगे अच्छा सा, उसके बाद सॉल्ट एंड पेपर डालेंगे, जेडब्ल्यू टोकन डालेंगे, और सॉल्ट एंड पेपर बहुत लोग नहीं डालते, सॉल्ट एंड पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नमक मिर्च नहीं डाल लो तो वो दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला पिछले वाले वीडियो में बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैकर्स बैठे हैं हैक करने के लिए आपके डेटाबेस को, आपके यूजर्स के डेटा को हैक करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर आप जेडब्ल्यूटी टोकन सिर्फ डाल रहे हो तो दिक्कत होगी, क्योंकि पैटर्न पता चल गया उनको, ये पैटर्न होता है, तो पैटर्न सेट पैटर्न पता चल गया तो उसको हैक करने में आसानी होगी। आप नमक मिर्च डाल दोगे तो उस केस में क्या होगा ना, 99% चांस है कि वो हैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक एडिशनल सिक्योरिटी डाल देते नमक मिर्च, क्रिप्टो जीएस का भी यूज करेंगे, सब कुछ यूज करेंगे उस वाले सीरीज में। अगर चेकआउट नहीं कर रहे हो मीन स्टैक वाली सीरीज को, तो मीन वाली चेकआउट करना, डोंट बी मीन बट चेकआउट द मीन स्टैक सीरीज, क्योंकि वहां पे एंगुलर का नया वर्जन में अपग्रेड कर दिया है 16 वर्जन में, कोई नहीं कवर कर रहा, हम लोग कवर कर रहे हैं 16 वर्जन में एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से। उसके बाद हम लोग इस कोड स्पेसिस पे भी काम करेंगे, पहले वो वाली सीरीज खत्म कर देते हैं। पाइस्पार्क की भी सीरीज पे काम करने वाला, और स्काला और डाटा इंजीनियरिंग की बेसिक वाली सीरीज भी काम करने वाला। अभी के लिए कम्युनिटी टैब में डालना हो तो कम्युनिटी टैब में चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो फैला देना, और लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा करना, कमेंट करो, समझ में नहीं आया तब भी कमेंट करो, समझ में आ गया कमेंट करो, ठीक है। नहीं समझ में आया क्या बात समझ में आया उसको वीडियो ऊपर देना आएगा, मिलूंगा उस वीडियो में।